जय जय श्री राधे। आओ माता जी कुर्सी में बैठ जा, आओ बैठ जा। आप बिराज आप बैठ बैठ जा सब लोग बैठ। देवकीनंदन ठाकुर जी के बेटे हैं। अच्छा ये माता जी ये श्री जी की चुनरी है माता जी आप इसे हमारे श्री जी की प्रसादी जी। हाँ माता जी ये बताओ ये भजन मतलब ज्यादा देर ना बैठे जाओ जमीन ना बैठे जाओ जी बैठ गए सोफा पे बैठ गए हम सोफे में बैठ के करते क्योंकि हमारी किडनी खराब जमीन तो बैठ ही नहीं पाती पता है दोपहर भर देखूं मैं बहुत सोए बहुत देखूं मैं बहुत दर्शन करूं तुम्हारे आप सबका आशीर्वाद बुलवा रहा है तो जब किडनी पहले तो बोलने लायक ऐसे ही बैठे रहे ऐसे ही दर्शन देते रहे ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। आप आराम से सोफा या कुर्सी में बैठ के भी भजन क्योंकि शरीर के अनुसार है जैसे पहले शरीर स्वस्थ था तो हम आसन में बैठते थे अब ये कि पूरा भार इसको दे के तब हम बैठे अगर हम ऐसे सीधे बैठे तो पीड़ा शुरू हो जाएगी क्योंकि किडनी खराब है। हाँ तब जैसे वृद्धावस्था है आपकी तो आप आसन में कुर्सी आदि में सोफा में ऐसे बैठ के खूब राधे श्याम खूब नाम जप करो और बड़ी भाग्य है आपकी कृपा और कोई काम ना हो ये हम अपने भाग्य समझते हैं कि आप हमें दर्शन देने आए गुरु जी के मंत्र को और राधा रानी को बस यही आशीर्वाद है सब बच्चों को धन्यवाद राधे श्याम।